क्या आपको पता है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट से ज्यादा जरूरी हमारे लिए एक न्यूट्रिशन वाली डाइट होती है। मतलब कि एक ऐसी डाइट जिससे हमें सब कुछ मिले जो हमारे मसल के लिए बहुत अच्छे हो और साथ में हमारी बॉडी अच्छे से बने और हमारी मसल अच्छे से ग्रो हो। तो आपके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 चीजें बताऊंगा जिनको खा के आपकी बहुत ही जल्दी बॉडी बनेगी और साथ में आपकी मसल बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो गाइस जो लोग इस वीडियो पे नए हो नीचे जाके रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये मेरी इंस्टा आईडी खुले। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आगे मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर देकर मैं आपको रिप्लाई कर देकर। तो गाइस जो हमारा जो पहला फूड है वो है पीनट्स, मतलब मूंगफली। मूंगफली हमारे शरीर के लिए सब में बेस्ट होती है क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है और साथ में मूंगफली खाने से हमारे शरीर में से बैड कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है। अगर गाइस आप मसल गेन करना चाहते हो और फैट लॉस करना चाहते हो तो गाइस मूंगफली सब में बेस्ट है क्योंकि मूंगफली खाने से हमारे शरीर में से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिससे हमारे मसल और बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ मूंगफली आपको किस टाइम खानी है। अगर आप वर्कआउट करने आ रहे हो तो आप 40 मिनट पहले मूंगफली खा सकते हो क्योंकि मूंगफली खाने से आपके शरीर में एनर्जी आएगी और आप अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाओगे। तो गाइस जो हमारा सेकंड जो फूड है वो बहुत ही जरूरी है बॉडी बनाने के लिए, जो है बनाना यानी केला। केले में गुड कार्बोहाइड्रेट होता है जैसा आप लोगों को पता है। तो आप लोग वर्कआउट से 25 से 30 मिनट पहले एक केला खा सकते हो, उससे क्या आपके बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और आप जिम में अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। और साथ में गाइस मैं आपको बता दूं अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया केले में कार्बोहाइड्रेट होता है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है वेट गेन करने के लिए, तो आप सुबह के टाइम केला खा सकते हो। हमारा जो तीसरा जो फूड है वो है मूंग दाल। तो गाइस मूंग दाल आप सबके घर में भी बनती होगी पर आप लोगों को किसी को इसके शायद फायदे नहीं पता होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मूंग दाल खाने से आपको विटामिन सी मिलती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है और साथ में गाइस मूंग दाल खाने से हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अगर आप लोग बीमार पड़ते रहते हो, खांसी जुकाम होता रहता है तो आप मूंग दाल खाना शुरू कर दो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा जिससे आपकी तबीयत खराब बिल्कुल नहीं होगी। उसके साथ में आपको मूंग दाल में 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब कि अगर आप 100 ग्राम मूंग दाल खाते हो तो आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब में बेस्ट है आपके लिए। और साथ में अगर आप इसे वर्कआउट के बाद खाओ, मतलब कि पोस्ट वर्कआउट में खाओ तो ये सब में बेस्ट है क्योंकि जब आप वर्कआउट करने के बाद आपकी जब मसल टूटी होती है, जो मसल ब्रेकडाउन हुई होती है, ये आपके मसल बनाने में मदद करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट फूड है वो है हमारा एग्स, मतलब अंडे। अगर गाइस आप लोगों में से बहुत लोग वेजिटेरियन हो, मतलब आप लोग अंडे नहीं खा सकते हो, तो आप गाइस दूध पी सकते हो। दूध में भी आपको वही विटामिन मिनरल्स मिलेंगे जो आपको एक अंडे में मिलते हैं। अगर गाइस आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप अंडे खा सकते हो तो गाइस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड है। अगर गाइस आप वर्कआउट करने के बाद अंडे खाते हो तो सब में बेस्ट है क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी प्रोटीन मांगती है क्योंकि हमारी मसल ब्रेकडाउन हुई होती है जैसे मैंने बताया था। तो आपके लिए अंडे वन ऑफ द बेस्ट है, आप अंडे खा सकते हो। अगर गाइस आप वर्कआउट करने के बाद एग्स और जो वेजिटेरियन है वो दूध पी सकते हैं क्योंकि इसमें हमें प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मैग्नीशियम और जिंक जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है आपको वो भी मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप एक अंडा खाते हो तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है और अगर आप एक गिलास दूध पीते हो तो उसमें आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फूड है वो है बादाम। बादाम गाइस ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपनी बॉडी बनाने के साथ साथ हमें अपने ब्रेन को भी अच्छे से वर्क करवाना पड़ता है। देखिए गाइस अगर आपको बॉडी बनानी तो आपके ब्रेन का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत से हार्मोन हैं जो हमारे ब्रेन की वजह से वर्क करते हैं, जैसे गाइस टेस्टोस्टेरोन हो गया और HGH हार्मोन्स हो गया। अगर हमारा माइंड अच्छे से काम करता है तो ये हार्मोन्स भी अच्छे से काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छे से बनती है। अगर गाइस आप रात को 4 बादाम पानी में फुलाते हो और सुबह उठ के खाते हो तो आप इससे क्या आपका जो सोने का जो रूटीन है बहुत सही रहता है। तो गाइस ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आप घर पर रह के अच्छे से डाइट ले पाओगे। जिन लोगों का गाइस मंथली मनी बजट है, जो लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो गाइस ये सब में बेस्ट है उन लोगों के लिए। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।